रास्ते आना बहुत ही मुश्किल है। आप आओगे तो देख सकते हो भाई। गाइस हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। कितनी है तो गैज इस बार बज रहे हैं सुबह के 5, तो हम तैयार हो गए, रेडी हो चुके हैं हम आगे जाने के लिए। बहुत ही सर्दी है जहाँ पे, जो भी आएगा तो अपने पूरे सामान की तैयारी के साथ आना चाहिए, इसलिए हम मिलते हैं हम आपको रास्ते में। अब ऊपर टॉप में मिलेंगे, सर्दी बहुत है, हम लोग नहीं बना पाएंगे। चलो तब तक दूसरा देखो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंड है यहाँ पे। बम बम बोले, बड़े दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है, विंड थोड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम थोड़े प्लेन में पड़े हैं, गली में पहुंच गए। अब यहाँ से सीधा हमने जाना है कौंसरनाग उतराई में। यहाँ तो आंधी बहुत ज्यादा है, दिख रहा नहीं है। देख सकते 20 मीटर के दूर कुछ भी नहीं दिख रहा, 20 मीटर से आगे लोग बहुत दूर दूर से आ गए। अब खाली पत्थरों से गुजरना है हमने कुछ 100-150 मीटर। देख सकते हो तो इस रास्ते आना बहुत ही मुश्किल है। आप आओगे तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आना। जैसे कितना कठिन रास्ता, इन पड़ियों के अंदर से जा रहे हैं हम। तो भाई तो सर्दी देख सकते हो, यहाँ पे पूरी ब्रिज जो स्नो ब्रिज है। हाँ जी आजा आजा, देख सकते हो भाई। गैस इतने कठिन रास्ते से चल चल के हम आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं आपके लिए, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हो हम कौशलनाग का व्यू दिखाएंगे, दिखाते थे अभी लेकिन अभी हम आपको कौशलनाग का व्लॉग दिखाते थे लेकिन थोड़ा आंधी की वजह से फॉग है बहुत ज़्यादा इधर, इसकी वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। हम नीचे से वो लोग भी शूट नहीं कर, बहुत अच्छी अच्छी जगह हमारी चली गई, वो लोग शूट नहीं कर पाए ड्यू टू फॉग। रास्ते से आ रहे हैं आपके लिए, अगर ये ब्लॉग बना रहे हैं तो हम हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इधर अगर आ रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ आइए, अपनी जैकेट रेनकोट वगैरह जो भी है सब कुछ अपने साथ लेके आइए यहाँ से आगे। हाँ देख सकते हो भाई मौसम यहाँ पे फॉग ही बहुत ज़्यादा है। कोई ज़्यादा लकड़ियाँ उठाई हुई है, कोई अपना सामान उठाया हुआ है, वो जा रहे हैं तो आंधी में कुछ दिख रहा नहीं है। आगे आप आगे दिखाएंगे आपको कौंसरनाग का व्यू, डायरेक्ट जाके यात्रु बहुत ज़्यादा 200-400 बंदे हैं। ये यात्रु जो है सभी हम अभी इकट्ठे हो गए, जितने भी यात्रु आ रहे हैं तो हम अभी 200-400 बंदा आगे इकट्ठे होंगे कौंसरनाग में। अभी थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा एक घंटा लगेगा हमें पहुँचने के लिए। देखो कितना डेंजरस, इस रास्ते से हम आना नहीं चाहते लेकिन उसी रास्ते से आए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर, हम हाथ में फोन पकड़ने से मजबूर हैं आज। भाई पहुंच गए हम कौशलनाग के सामने, देख सकते हो
ये कोसरनाग का व्यू है, हम पहुंच गए कोसरनाग में। चलो हम नीचे जाके आपसे मिलेंगे, यात्रु बहुत ज्यादा है यहाँ पे भाई, भाई। जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो का क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ की कंडीशन देख के हम जितनी मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं। कितनी है सर्दी तो बहुत ज्यादा है। अभी हम सरोवर में स्नान करके आए हैं अभी, और अभी हम अपने लिए लंच तैयार करेंगे अभी सारे, और इसे ऐसे प्रसाद सबको बांटा जाएगा, सब खाएंगे। लंच पे क्या बनाएंगे आज? आज हम मीठे चावल बनाएंगे और साथ में बकरा मटन, मीठ चावल बनाएंगे, लेकिन मटन बनेगा तो हमारे लिए इन्होंने कहा दूसरे लिए। हम वैष्णो लोग हैं, हम अपने के लिए मीठे चावल बना रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो बना रहे हैं अपने के लिए मीठ चावल। फाइनली का हमने खाना बना के रेडी कर दिया है, तो हमने वैष्णो अपने लिए अपना वैष्णो लंगर बनाया, हम मीट वगैरह कुछ नहीं खाते, तो इसके बाद हम अपना खाना वगैरह खा के तो जाएंगे वापस, रात को देखते सुसौत में पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचे वहाँ पे यहाँ स्टे करेंगे, तो हम आपको रास्ते में मिलेंगे, तब तक दो हज़ार हम खाना खा के रेडी होते हैं। निकल हम तैयार होके यहाँ से गुजर रहे हैं, वापस जा रहे हो? हाँ वापस जा रहे हैं, जा रहे हैं ये जो सामने लोग हैं इनका भी थोड़ा बीच में लाइए। ओके रेडी हो चुके हैं और वापस जा रहे हैं।
पानी की जय राम से। फाइनली गाइस हम दर्शन करके वापस गली में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है जिसकी वजह से हमारी सांस रुक सकती है, इसलिए आप अगर आप आएँ इधर तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। अब निकलेंगे अगले रास्ते, हम मिलेंगे आपको यहाँ पे, आप नाइट स्टे करने वाले हैं। ऑक्सीजन की कमी है ना वैसे? हाँ बिल्कुल, बहुत कम हो रहा है। यहाँ पहाड़ देख सकते हैं जाके, बिल्कुल पहाड़ों में यहाँ कोई दरख्त नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। हवा बहुत ज्यादा है भाई। देखो पड़ियों से निकल गए हम, कितनी तेज चल रही है और हमारी सांसें रुक रही हैं हवा के साथ। फाइनली गाइस हम रात को 9 बजे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था सरसोत में। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे, तो मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो तब तक दो इजाज़त, जय भोलेनाथ, जय हिंद।